पाकिस्तान का यौम आज़ादी इंडिया के यौम आज़ादी से एक दिन पहले क्यों मनाया जाता है? पाकिस्तान को आज़ाद हुए 72 सालों से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। इस तवील अरसे में हम अपनी तारीख के कितने ही गोशों से नावाकिफ रहे। हम अपनी यौम आज़ादी की तकरीबात हर साल 14 अगस्त को और हमारे साथ आज़ाद होने वाला हमसाया मुल्क इंडिया अपनी यही तकरीबात 15 अगस्त को मनाता है। और हर साल ये सवाल उठता है कि दो मुल्क जो एक साथ आज़ाद हुए हों, इनके यौम आज़ादी में एक दिन का फ़र्क क्यों? इस वीडियो में हमने इसी मुद्दे को हल करने की कोशिश की है। बुजुर्ग हमें बताते हैं कि पाकिस्तान रमजान की 27वीं शब को आज़ाद हुआ और ये कि जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस दिन जुम्मतुल विदा का मुबारक दिन था। फिर हमें बताया जाता है कि उस दिन 14 अगस्त 1947 की तारीख थी और हम अपने साथ आज़ाद होने वाले मुल्क से एक दिन बड़े हैं। ताहम जब हम 14 अगस्त 1947 की तकवीम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि उस दिन तो जुमरात थी और हिजरी तारीख भी 27 नहीं 26 रमजान थी। फिर हम पाकिस्तान के पहले डाक टिकट देखते हैं जो पाकिस्तान की आज़ादी के 11 माह बाद 9 जुलाई 1948 को जारी हुए थे। इन डाक टिकटों पर वाज़े तौर पर पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 तब हुआ है। फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 है। तो फिर यौम आज़ादी की पहली सालगिरह 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई गई? यूं जहन एक मर्तबा फिर उलझ जाता है कि पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1947 को। अगर हम 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए तो आज़ादी के 11 माह बाद शाया होने वाले डाक टिकटों पर यौम आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 क्यों दर्ज हुई थी? और अगर पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमने आज़ादी की पहली सालगिरह 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई? और सबसे बढ़कर तो ये कि आज तक ये सालगिरह 15 के बजाय 14 अगस्त को क्यों मनाते चले आ रहे हैं? इस सिलसिले में सबसे अहम दस्तावेज 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, जिसे बरतानवी पार्लियामान ने मंजूर किया और जिसकी तौसीक शहनशाह बरतानिया जॉर्ज शशुम ने 18 जुलाई 1947 को की। इस कानून की एक नकल पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली ने, जो बाद में पाकिस्तान के वजीर आजम भी बने, 24 जुलाई 1947 को कायदे आजम को अरसाल की। ये कानून 1983 में हुकूमत बरतानिया की शाया करदा दस्तावेज द ट्रांसफर ऑफ पावर की जिल्द 12 के सफा 234 पर और इसका तर्जुमा कायदे आजम पेपर्स प्रोजेक्ट कैबिनेट डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद के शाया करदा जिनाह पेपर्स के उर्दू तर्जुमे की जिल्द 100 के सफा 45 से सफा 72 तक मुलाहिजा किया जा सकता है। इस कानून में वाज़े तौर पर दर्ज है 15 अगस्त 1947 से बरतानवी इंडिया में दो आज़ाद फरमा रवा ममलिकतें कायम की जाएंगी जो बिलतरतीब इंडिया और पाकिस्तान के नाम से मौसूम होंगी। बाद अज़ां इस कानून में इन ममलिकतों से मतलब नई ममलिकतें और मुकर्रा दिन से मुराद 15 अगस्त की तारीख होगी। ट्रांसफर ऑफ पावर जिल्द 12 के सफा नंबर 234 पर असल तहरीर कुछ यूँ है। इस कानून के तसलसल में जारी होने वाले चंद और अहकामात मुलाहिजा हों जिनके इक्तबासात और तर्जुमा ज़ियाउद्दीन लाहौरी ने अपने मजमून यौम आज़ादी जुम्मतुल मुबारक 27 रमजान या 15 अगस्त मशमूला जरीदा 36 शोबा तसनीफ और तालीफ और तर्जुमा जामिया कराची में शामिल किया है। 12 अगस्त 1947 इंडिया और पाकिस्तान की रुकनियत के इस्तेहकाक पर सेक्रेटेरिएट अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के मेमोरेंडम की प्रेस रिलीज से एक इक्तिबास, कानून आज़ादी हिंद करार देता है कि अगस्त 1947 की 15 तारीख को इंडिया में दो आज़ाद ममलिकतें बिलतरतीब इंडिया और पाकिस्तान के नाम से कायम होंगी।
हुकूमत बरतानिया ने यह ऐलान तो कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को सिफरे सात पर आज़ाद होंगे, मगर मसला ये हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन को 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब नई दिल्ली में इंडिया की आज़ादी का ऐलान करना था। मुंतखब हुकूमत को इक्तदार मुंतकिल करना था और खुद आज़ाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल का ओहदा संभालना था। मसले का ये हल निकाला गया कि लॉर्ड माउंटबेटन 13 अगस्त 1947 को कराची तशरीफ लाएं और 14 अगस्त 1947 की सुबह पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली से खिताब करते हुए इंतकाल इक्तदार की कार्रवाई मुकम्मल करें और ये ऐलान करें कि उस रात यानी 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत बन जाएगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। 13 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कराची तशरीफ ले आए और उसी रात कराची के गवर्नर जनरल हाउस में उनके एजाज में एक इशाया दिया गया, जिससे खिताब करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मैं मुल्क के मुअज़्ज़म की सेहत का जाम तजवीज़ करते हुए बेहद मुसर्रत महसूस करता हूँ। ये एक नहायत अहम और मुनफरिद मौका है। आज इंडिया के लोगों का इक्तदार मुंतकिल होने वाला है और 15 अगस्त 1947 के मुकर्ररा दिन दो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममलिकतें पाकिस्तान और इंडिया मौरज़े वजूद में आ जाएंगी। मुल्क मुअज़्ज़म की हुकूमत के इस फैसले से वो आला अरफा नस्बुल ऐन हासिल हो जाएगा जो दौलत मुश्तरका के क़याम का वाहिद मकसद करार दिया गया था। अगले रोज जुमरात 14 अगस्त 1947 मुताबिक 26 रमजान मुबारक 1366 हिजरी की सुबह 9 बजे कराची की मौजूदा सिंध असम्बली बिल्डिंग में पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का खसूसी इजलास शुरू हुआ। सुबह से ही इमारत के सामने पुरजोश अवाम जमा थे। जब पाकिस्तान के नामजद गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्हा और लॉर्ड माउंटबेटन एक मखसूस बग्गी में सवार असेंबली हॉल पहुंचे तो अवाम ने पुरजोश नारों और तालियों से उनका इस्तकबाल किया। असेंबली की तमाम नशिस्तें पुर थीं। गैलरी में मुमताज़ शहरियों, सियासतदानों और मुल्की और गैर मुल्की अखबारी नुमाइंदों की भारी तादाद मौजूद थी। कुर्सी सदारत पर दस्तूर साज असम्बली के सदर मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ फरमा थे और उनके बराबर में लॉर्ड माउंटबेटन की नशिस्त थी। दोनों अकाबिर ने जब अपनी अपनी नशिस्तें संभाली तो कार्रवाई का बाकायदा आगाज किया गया। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने शाह बरतानिया का पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसमें जिन्ना को मुखातिब करते हुए कहा गया था, बरतानवी दौलत मुश्तरका की अकवाम की सफ़ में शामिल होने वाली नई रियासत के क़याम के अजीम मौके पर मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जिस तरह आज़ादी हासिल की है वो सारी दुनिया के हुर्रियत पसंद अवाम के लिए एक मिसाल है। मैं तवक्को रखता हूँ कि बरतानवी दौलत मुश्तरका के तमाम अरकान जमहूरी उसूलों को सरबुलंद रखने में आपका साथ देंगे। इस पैगाम के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने अलविदाई तकरीर की और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की सलामती के लिए दुआ मांगी। अपनी इस तकरीर में लॉर्ड माउंटबेटन ने वाज़े अल्फाज में कहा, आज मैं आपसे आपके वायसराय की हैसियत से खिताब कर रहा हूँ। कल नई डोमिनियन पाकिस्तान की हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में होगी और मैं आपकी हमसाया डोमिनियन ऑफ इंडिया का आइनी सरबराह बनूंगा। दोनों हुकूमतों के कायदीन ने मुझे जॉइंट डिफेंस काउंसिल का गैर जानिबदार चेयरमैन बनने की दावत दी है। ये मेरे लिए एक एजाज है जिस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। कल दो नई खुद मुख्तार रियासतें दौलत मुश्तरका में शामिल होंगी। ये नई अकवाम ना होंगी बल्कि ये कदीम काबिल फख्र तमद्दुन की वारिस अकवाम हैं। इन मुकम्मल तौर पर आज़ाद रियासतों के लीडर बड़े मुदब्बिर हैं, दुनिया भर की निगाहों में एहतराम से देखे जाते हैं। इनके शायरों, फलसफादानों, साइंसदानों और अफवाज ने इंसानियत के खिदमत के लिए नाकाबिल फरामोश खिदमात सर अंजाम दी हैं। इन रियासतों की हुकूमतें ना तजर्बाकार और कमज़ोर नहीं बल्कि दुनिया भर में क़याम अमन और तरक्की के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बर होने की पूरी सलाहियतें रखती हैं।
लॉर्ड माउंटबेटन के बाद कायदे आजम ने अपनी तकरीर का आगाज किया। उन्होंने सबसे पहले शाह इंग्लैंड और वाइस राय का शुक्रिया अदा किया और उन्हें यकीन दिलाया कि हमारा हमसायों से बेहतर और दोस्ताना ताल्लुकात का जज्बा कभी कम ना होगा और हम सारी दुनिया के दोस्त रहेंगे। असेंबली की कार्रवाई और ऐलान आज़ादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना लॉर्ड माउंटबेटन के हमरा शाही बग्गी में गवर्नर जनरल हाउस वापस हुए। दोपहर 2 बजे लॉर्ड माउंटबेटन नई दिल्ली रवाना हो गए, जहां उसी रात 12 बजे इंडिया की आज़ादी के ऐलान के साथ उन्हें इस मुल्क के गवर्नर जनरल का मनसब संभालना था। लॉर्ड माउंटबेटन के ऐलान आज़ादी के मुताबिक 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब रात 12 बजे दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी मुमलिकत का इजाफा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान था। इससे कबल 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात लाहौर, पिशावर और ढाका स्टेशन से रात 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो सर्विस ने अपना आखिरी ऐलान नशर किया था। 12 बजे से कुछ लम्हे पहले रेडियो पाकिस्तान की शनाख्ती धुन बजाई गई और ज़हूर आज़र की आवाज़ में अंग्रेजी ज़ुबान में फिजा में एक ऐलान गूंजा। आधी रात के वक्त पाकिस्तान की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुमलिकत मोरज़ वजूद में आ जाएगी। रात के ठीक 12 बजे हज़ारों सामईन के कानों में पहले अंग्रेजी और फिर उर्दू में ये अल्फाज गूंजे, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। अंग्रेजी में ये ऐलान ज़हूर आज़र ने और उर्दू में मुस्तफ़ा अली हमदानी ने किया। इस ऐलान के फौरन बाद मौलाना ज़ाहिरुल कासमी ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा की आयात तलावत फरमाई, जिसके बाद उनका तर्जुमा नशर किया गया। आधी रात के वक्त ही रेडियो पाकिस्तान पिशावर से आफ्ताब अहमद बिस्मिल ने उर्दू में और अब्दुल्ला जान मखमूम ने पश्तो में पाकिस्तान के कयाम का ऐलान किया, जबकि कुरान पाक की तलावत का शर्फ कारी फिदा मोहम्मद ने हासिल किया। इन नशरियात का इख्तिताम जनाब अहमद नदीम कासमी के लिखे हुए एक नगमे पर हुआ, जिसके बोल थे, पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान मुबारक हो। उसी वक्त ऐसी नौयत का ऐलान रेडियो पाकिस्तान ढाका से अंग्रेजी में कलीमुल्ला ने किया, जिसका तर्जुमा बंगला जुबान में नशर किया गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह रेडियो पाकिस्तान लाहौर की ट्रांसमिशन का आगाज 8 बजे सूरे अल इमरान की मुंतखिब आयात से हुआ। आयात कुरानी की तलावत के बाद अंग्रेजी खबरों का आगाज हुआ, जो न्यूज रीडर नोबी ने पढ़ी। खबरों के बाद ठीक 8:30 बजे कायदे आजम की आवाज़ में एक पैगाम सुनवाया गया, जो पहले से रिकॉर्ड शुदा था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर का आगाज इन अल्फाज से हुआ था, बेपाया मुसर्रत और एहसास के जज्बात के साथ मैं आपको तहनियत का पैगाम देता हूँ। 15 अगस्त आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान की पैदाइश का दिन है। यह मुस्लिम कौम की मंजिल मकसूद की अलामत है, जिसने पिछले चंद बरसों में अपने वतन के हुसूल के लिए अजीम कुर्बानियां पेश की। अपने इस खिताब में कायदे आजम ने पाकिस्तान के तमाम शहरियों को पाकिस्तान की खुद मुख्तार मुमलिकत के कयाम की मुबारकबाद पेश की और कहा कि इस नई मुमलिकत के वजूद में आ जाने से पाकिस्तान के बाशिंदों पर ज़बरदस्त जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। अब उन्हें दुनिया को ये साबित करके दिखाना चाहिए कि किस तरह एक कौम जिसमें मुख्तलिफ अनासिर शामिल हैं आपस में मिलजुल कर सुलह आश्ती के साथ रहती है। उसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला गैजेट भी जारी हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान मुकर्रर किए जाने और उसी दिन से उनका ये ओहदा संभालने की इत्तला दर्ज थी। उसी रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अब्दुल रशीद ने जिन्ना से पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के ओहदे का हल्फ लिया और उसी रोज़ नवाबजादा लियाकत अली ख़ान की क़यादत में पाकिस्तान की पहली काबीना के अरकान ने भी अपने ओहदों के हल्फ उठा लिए। इन तमाम मारूजात और दस्तावेजी शहादतों से ये बात पाया सबूत को पहुंचती है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को मौरज़े वजूद में आया था।
पाकिस्तान के कयाम से पहले बरस किसी को इस मामले में इबहाम ही नहीं था कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ। इस बात को तकवीयत उस चीज़ से भी मिलती है कि 19 दिसंबर 1947 को पाकिस्तान के महकमा दाखिला ने अपने मरासले 4717 के ज़रिए 1948 की जिन सालाना तातीलात का ऐलान किया उनमें 1948 के लिए यौम पाकिस्तान की तातील के आगे 15 अगस्त 1948 की तारीख दर्ज थी। 1948 की पहली सहमाही में पाकिस्तान के महकमा डाक ने पाकिस्तान के इब्तदाई डाक टिकटों की डिजाइनिंग और तबात के काम का आगाज किया। ये डाक टिकट बरतानिया के तबाती इदारे मैसर्स टॉम्स डी लारो में तबे हुए थे और 9 जुलाई 1948 को फरोख्त के लिए पेश किए गए। उन पर भी पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 लिखी गई थी। गोया जिस वक्त ये डाक टिकट डिज़ाइन हुए और अशात के लिए बरतानिया भेजे गए इस वक्त तक ये बात तय थी कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो फिर पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त से 14 अगस्त कब हुआ? मंगल 29 जुलाई 1948 को कराची में वज़ीर आज़म नवाबजादा लियाकत अली खान की ज़ेर सदारत काबीना का एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर मुवासिलात, कानून व मेहनत, वज़ीर मुहाजरीन व आबादकारी, वज़ीर खुराक, ज़रात व सेहत और वज़ीर दाखिला इतलात व नशरियात मौजूद थे। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान के पहले यौम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त 1948 के बजाय 14 अगस्त 1948 को मनाई जाएँ। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने काबीना को बताया कि ये फैसला हतमी नहीं है, वो ये मामला गवर्नर जनरल के इल्म में लाएंगे और जो भी हतमी फैसला होगा वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मंजूरी के बाद होगा। वो फाइल जिसमें ये तफसील दर्ज है उसका नंबर है CF 48196 और केस नंबर 4854393 है। उस फाइल में अंग्रेजी में दर्ज कार्रवाई में तहरीर है। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म ने यह जिम्मेदारी संभाली है कि वो कायद आज़म तक ये तजवीज़ पहुँचाए कि हमारी यौम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को मनाई जाया करे। उस फाइल में ये तहरीर नहीं कि इस तजवीज़ का मुहरिक कौन था और यौम आज़ादी की तकरीबात 15 के बजाय 14 अगस्त को मनाए जाने के हक में क्या दलाइल पेश किए गए थे। कार्रवाई के आखिर में ब्रैकेट में तहरीर है कि कायदे आज़म ने तजवीज़ को मंजूर कर लिया है। काबीना के उस फैसले पर अमल दरामद हुआ और मुल्क भर में पाकिस्तान के पहले यौम आज़ादी की तकरीबात 14 अगस्त 1948 को मनाई गई। पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को मनाने का ये दस्तूर आज तक जारी है और यूं आहिस्ता आहिस्ता बात रासिख हो गई कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हालांकि महवला बाला दस्तावेज़ात के मुताले से ये बात बड़ी हद तक तय हो जाती है कि पाकिस्तान की पहली काबीना ने पाकिस्तान की तारीख आज़ादी तब्दील नहीं की थी बल्कि सिर्फ ये फैसला किया था कि हर साल पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तकरीबात 15 की बजाय 14 अगस्त को मनाई जाएंगी और कायदे आज़म ने भी इस फैसले की तौसीक की थी।